खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र के महासंग्राम में इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। बड़ी खबर क्या है कि बगावत पर उतारू अजीत पवार को मनाने के लिए एनसीपी ने अपना आखिरी दांव खेला है। सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल ने अजीत पवार के साथ बैठक की है और इस बैठक में अजीत पवार से कहा गया है कि वापस आ जाओ। अजीत पवार से शरद पवार ने कहा है कि तुम्हें माफ कर दिया गया है, तुम अब वापस आ जाओ, इस्तीफा दे दो या कल विधानसभा की बैठक से बाहर रहो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो सदन में आकर व्हिप जारी करते हो, तब भी पार्टी के पास ऑप्शन बी तैयार है, यानी साम दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल किया जा रहा है अब अजीत पवार पर। शरद पवार ने जो मुलाकात अजीत पवार से की है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर कल आपकी तरफ से व्हिप जारी किया जाता है तो हम इससे बिल्कुल नहीं घबरा रहे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी तैयार है। देखिए, तुम्हें माफ कर दिया गया है, तुम वापस आओ, इस्तीफा दे दो या कल विधानसभा की बैठक से बाहर रहो। शरद पवार ने यह अजीत पवार से कहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हो और सदन में आकर व्हिप जारी करते हो तब भी पार्टी के पास ऑप्शन बी तैयार है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अंतिम दांव है एनसीपी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से। आदेश रावल हमारे साथ हैं, आदेश रावल के पास चलते हैं। आदेश, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये आखिरी दांव है। अब दांव तो लगातार तीन दिनों से एनसीपी के आलाकमान की तरफ से चले जा रहे हैं अजीत पवार पर, लेकिन अजीत पवार क्या सोच रहे हैं ये नहीं पता चल पा रहा। देखिए, आज सुबह ट्राइडेंट होटल में ये मुलाकात हुई है जिसमें शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले अजीत पवार से मिलने गए थे। उसमें उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि या तो आप इस्तीफा दे दो और वापस आ जाओ, दूसरा विकल्प आपके पास है कि कल आप असेंबली से जब फ्लोर टेस्ट होगा तो आप एब्सटेन कर जाना ताकि आपकी फेस सेविंग हो जाए, और तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर कल स्पीकर तुम्हें विधायक एनसीपी का नेता मान भी लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बी तैयार है। वो ऑप्शन बी क्या है? शरद पवार ने कुछ वकीलों से बात की और उनसे राय ली है कि ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होना चाहिए। शरद पवार के पास जो विधायकों की संख्या है वो 51 है, तो किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में शरद पवार के पास ऑप्शन बी है कि वो एनसीपी बी का गठन तुरंत कर सकते हैं, और ये सारी चीजें उन्होंने अजीत पवार को बता दी हैं कि तुम्हारे सब रास्ते बंद हो चुके हैं।